रणदीप हुड्डा स्टारर फिल्म स्वतंत्रया वीर सावरकर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। विनायक दामोदर सावरकर पर आधारित फिल्म में रणदीप हुड्डा ने लीड रोल प्ले किया है। फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ रणदीप फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। कई सालों से वो इस फिल्म की तैयारी कर रहे थे, आखिरकार अब मूवी का ट्रेलर आउट हो गया है। ट्रेलर में एक एक सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। रणदीप हुड्डा स्टारर स्वतंत्र वीर सावरकर क्रांतिकार नेता विनायक दामोदर सावरकर की बायोपिक है। रणदीप भारत को आजादी दिलाने वाले उस महान नेता की कहानी लेकर आए हैं जिनसे लोग कम वाकिफ हैं। हम सबने पढ़ा है कि भारत को आजादी अहिंसा से ही मिली है, ये वो कहानी नहीं है। रणदीप हुड्डा के इस डायलॉग के साथ स्वतंत्रता वीर सावरकर के ट्रेलर की शुरुआत होती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सावरकर ने अखंड भारत की लड़ाई लड़ी, भारत को आजाद कराने के लिए उन्होंने किस तरह अपनी फौज खड़ी की और अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का दम लगा दिया था। अपने क्रांतिकारी व्यवहार के चलते सावरकर को अंग्रेजों का जुल्म भी सहना पड़ा था। उन्होंने दोबारा काला पानी की सजा दी गई, बुरी तरह पीटा गया, हालांकि फिर भी सावरकर ने हार नहीं मानी और अपनी लड़ाई जारी रखी। रणदीप हुड्डा ने वीर सावरकर की भूमिका में बिल्कुल न्याय किया है। ट्रेलर देखकर ये साफ पता चलता है कि उन्होंने इस किरदार को निभाया नहीं बल्कि जिया है। एक एक सीन में रणदीप सावरकर की झलक दिखती है। फिल्म में अंकिता लोखंडे का भी लीड रोल है, वो सावरकर की पत्नी यमुना बाई की भूमिका में नजर आ रही हैं। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को इम्प्रेस किया है। बता दें कि रणदीप हुड्डा की फिल्म 22 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।